एग्जाम्पल पढ़ना। यस पेज नंबर 32 कांडी। एम लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 टू जी ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021। हाउ एवर अंडरलाइन करना, इफ जी टी पेज विद इन 10 डेज इट विल बी एंटाइटल टू 4% कैश डिस्काउंट एंड विल हैव टू पे ओनली 9600। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सी है और सिंपल सी ही बहस में शायद बात खत्म हो जाए। रिक्वायर्ड आपसे ये 4 सिनेरियोज हैं। नंबर वन, बल्कि पहले हेडिंग है, हाउ द अबव ट्रांजेक्शंस अलोंग विद फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ एमएल ऑन 8th एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। एमएल एक्सपेक्ट्स दैट जीटी विल नॉट पे विद इन 10 डेज एंड जीटी एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त। एमएल एक्सपेक्ट्स दैट जीटी विल नॉट पेड विद इन 10 डेज बट जीटी एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त। मेरा एक एक सिनेरियो जरा करवा देना, आप चाहे लिखने पे फोकस ना करें, आपके पास लिखा हुआ है, आप सिर्फ फोकस करें सोचने पे जरा। सिनेरियो ए, किस किस डेट की मुझे एंट्रीज करवानी है? 8 अगस्त और डेट ऑफ पेमेंट जी। ढूंढने डाटा जी, एमएल कौन है? सेलर है, बायर है? सेलर, बायर, सेलर, एंटिटी। 8 अगस्त डेट आ गई, बताएं जी सेलर क्या एंट्री करेगा? सिनेरियो है, फुल कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। डेटर रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट, चीजें भेज दी उसने। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स क्रेडिट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स क्रेडिट, कितने से? 10,000। यार ये तो डिस्काउंट देनी है। नहीं बस ये वर्ड अभी यूज ना करें, विल नॉट पे विद इन, उसको लग भी नहीं रहा उसने देने हैं और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह उसने दिए हैं, ना ही लग रहा था कि वो टाइम पे देगा, ना ही उसने दिए हैं। उसने कब दिए हैं? 31 की एंट्री बताएं। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना? और यार डिस्काउंट है ना, एक्सपेक्टेड थी कि देंगे और ना ही एक्चुअली देनी पड़ी है। सेकंड सिनेरियो में आ जाए, बी सिनेरियो, 8 अगस्त की एंट्री बोले, कंसंट्रेट करें जरा। रिसीवेबल डेबिट कितने से? रिसीवेबल डेबिट कितने से? वाई 10,000, वी विल नॉट एक्सपेक्टेड, हमें नहीं कोई उम्मीद लग रही। रेवेन्यू क्रेडिट, अब नहीं, 31 नहीं है। अब पैसे उसने कब दे दिए हैं? उम्मीद तो नहीं थी लेकिन लग रहा है विद इन 10 डेज दे दिए हैं। गिनने गिनने डेढ़ सर, अल्लाह करे पूरे बन ही जाए। विद इन 10 डेज, 10वां भी शायद काउंट हो ही जाएगा। कंसंट्रेशन से बताएं एंट्री क्या करें। कैश डेबिट कितना मिलेगा? 9,600 ले लेंगे अब हम। रिसीवेबल क्रेडिट कितने से करेंगे? रिसीवेबल क्रेडिट कितने से करेंगे? 10,000। 400 को क्या करेंगे? अब आई आई डोंट नो आपने पहले कैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दोनों तरह से बात करना चाहता हूँ। डिस्काउंट अलाउड अगर आप डेबिट कर भी लेंगे तब भी फाइनली सेल में से ही लेस करेंगे, और इन अदर वर्ड सेल भी डेबिट कह सकते हैं, या सीधा किसको डेबिट कर दें या क्या डेबिट करके कहां से माइनस करते हैं। अगर अलहदा हेड बना भी रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, तो इवन देन सेल में से लेस होना है, और सिंपली ये भी हो सकता है कि आप सेल ही एंट्री में लिख लें कि डेबिट होना है, इन अदर वर्ड सेल की जगह रेवेन्यू लिख सकते हैं। तो या क्या डेबिट शायद, या क्या डेबिट, लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउड अलहदा हेड बना भी लेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ही होगा जिस तरह सेल रिटर्न अगर अलहदा हेड बन भी जाए तो सेल रिटर्न कहां से लेस होनी है? सेल से लेस होनी है, फाइनली सेल से कम कर दें। डन डन सर। सी सिनेरियो सर, एमएल एक्सपेक्टेड दैट, अब ये असल में खर्चा है और खर्चा शायद एक्सपेक्टेड बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे ही खर्चा है या इनकम है, मतलब सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू कम होना ना। तो थर्ड सिनेरियो पढ़ेंगे, एमएल क्या एक्सपेक्ट दैट जीटी विल एंड एक्चुअली पेड ऑन
रिलैक्स रह के इधर एंट्री बताएं, 8 अगस्त को आप क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से ही? 10,000 नहीं, 10,000 माइनस या मल्टीप्लाइड बाय 96%। वैसे एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कितने से? वाई 9600। लग रहा है डिस्काउंट देनी पड़ेगी, आगे आ जाएं। और क्या वाकई देनी पड़ गई है एंट्री? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? तीन सिनेरियो की एंट्रीज आपने मुझे लिखवाई हैं, फोर्थ सिनेरियो की एंट्री जरा खुद से लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ दे रहे हैं मेरा। जी नोटेड है प्लीज। क्या बनाई थी? 9600 से रेवेन्यू बनाया आपने, लेकिन पैसे मिले कब? 31 का मिलने का मतलब कैश मिलेगा फिर आपको 10,000, और रिसीवेबल तो डेफिनेटली कितने से क्रेडिट होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने फिर इनकम कम रिकॉर्ड की थी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, तो एस्टिमेट चेंज हो गया, रेवेन्यू फर्दर क्रेडिट हो जाएगा 400। ठीक है जी प्लीज। दूसरा एक होमवर्क रखें, पेज नंबर 31 पे अगर ये जो इसकी इंग्लिश लिखी हुई है पढ़ के देखें कोई बात बनती कि नहीं। पेज 31 पे ये जो हेडिंग लिखी थी काउंटिंग फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट, इसको जरा एग्जांपल एम लिमिटेड तक लेके जाना। एक पेज ये होमवर्क है। बाकी इस तरह करें, ये जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, ये जो एग्जांपल्स बीच बीच में होती रही कौन कौन सी हो गई? नहीं एक सेकंड, ये जो पेज 42 पे है जरा ये कुछ एग्जांपल जरा पढ़ने दोबारा, जरा मतलब आज जरा टाइम जरा थ्योरेटिकली दें जरा थोड़ा। पेज 42 पे एग्जांपल 6 की है, अभी तक जो एग्जांपल्स हो गई अगर इनको एक 10 बार रिवाइज कर लो। पेज 42 पे एग्जांपल 6, 7 और 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 जो एग्जाम्पल्स हुई हैं पेज 42 से ऑनवर्ड्स, दें जरा टाइम यार, आपको घंटा लगाएं सर, आराम से बैठ के पढ़ा। ठीक है जी।